लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इंदु प्लीज, कैसे समझाऊं तुम्हें किस दौर से गुजरना हूं मैं। बिजनेस में नुकसान क्या हुआ है, सबने मुंह फेर लिया है, दोस्त रिश्तेदार सबकी पहचान हो गई है। आज कर्ज चुकाने के लिए मुझे जो कुछ करना पड़ रहा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। पता नहीं इस दलदल से निकल भी पाऊंगा या नहीं। तुम साफ सब क्यों नहीं बताते? क्या बताऊं? ये जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है, तुम बात को सिर्फ पकड़ कर बैठ जाती हो। क्यों नहीं पकड़ कर बैठ जाऊंगी? तुम मुझे नहीं बताओगे तो और किसे बताऊंगा? मैं तुम्हें नहीं पूछूंगी। क्या बात है भैया? भाभी कुछ नहीं। अरे ये क्या? अरे भैया, मुझे टूर्नामेंट के लिए सेलेक्ट कर लिया है और बैंगलोर ट्रेनिंग के लिए जाना है। अरे वारे मेरा चंप। मैंने कहा सुनती हो? सुना है। क्या सुना है? अरे अपना अजय जो है ना, ये देखो अपना अजय चैंपियन बनने वाला है। चलो ना कहीं घूमने चले। मैं नहीं जाऊंगी। अरे भाभी, ऐसे कैसे हो सकता कि आप नहीं चलेंगी? आपको तो चलना पड़ेगा, हम तो आपको उठाकर। अरे भैया, आपकी भाभी तो एक मन की हो गई है। भाभी होगी तेरी, मेरी तो मेरी भाभी। तुम मुझे बहुत याद आती हो वर्षा। मैं भी तुम्हें याद आता हूँ ना। फिर ये क्या वर्षा, मेरे 10 खत का जवाब सिर्फ 9 खत? क्यों वर्षा, तुम किससे डरती हो? जमाने से? अरे जमाने की तो ऐसी। सर, हम सॉरी सर। सॉरी सर। अरे अरे बाबा, तुम्हारे वजह से मेरे को इतना मार पड़ा रिंग के बाहर, जितना करियर में मेरे को रिंग के अंदर नहीं पड़ा था। मैंने कहा हेलो। नहीं, सपना है। अजय, वर्षा। नहीं, it can't be. Hit me. मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। अच्छा ये बताओ, तुमने मेरे 10वें लेटर का जवाब क्यों नहीं दिया? मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। सरप्राइज? How nice. मैं यही सोच रहा था कि अचानक अपना कोच टपक पड़ा। कोच? अपना कोच। Look, you better behave yourself, I tell you. Otherwise, I will send you back to Bombay. कौन है आप? Who are you? किसे मिलने आई हो? आपको नहीं जानता? क्या? Go away. अरे? वर्षा चली जाओ, तुम अंदर जाऊँगा। इतनी दूर बम्बई से बैंगलोर मिलने आई हूँ सिर्फ तुम्हें। अरे आप चांद से क्यों ना आई हो? मैं आपको नहीं पहचानता। इन्हें आपको नहीं पहचानता। जिम की कोई डिसिप्लिन है कि नहीं? लड़की ले आता है। Go away. Wait, 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 wait. ठीक है, जाती हूँ। गुड बाय। अजय, हाउ डेयर यू। Thank God तुम मिल गई वर्षा। तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने। Wait up. माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। Come on वर्षा, इतने दिनों के बाद हम दोनों मिले हैं, थोड़ी सी प्यार भरी बात। कमाल कर रहे हैं आप, ये खुसर मुसर क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं आप? तो धीरे बोलो वर्षा, धीरे। सब लोग घूर कर यही देख रहे हैं। उस गंजे को तो देखो, यहाँ आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है, और उस मोटे ने तो खाना ही छोड़ दिया, इधर ही देख रहा है। मोटा मोटा गंजा गंजा किसको कह रहे? कौन मोटा कौन गंजा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। गंजा किसने बोला? अरे नहीं, भाई साहब, हम तो गंजा पंछे की बातें कर रहे थे। और मोटा मुझे किसने कहा? ना, मोटा आपको, वो मोटा मुझे कहती है, प्यार से कहती है ना डार्लिंग। आप तो दुबले पतले, आप खाना खाइए। परवाह की, खा ले वर्षा।
वो जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है ना, कितने प्यार से बातें कर रहे हैं, और हम दोनों। अगर एक जवान लड़की और बुढ़े का रोमांस आपको अच्छा लगता है तो उनसे जाके कहिए आप यहाँ क्यों बैठे हैं। किसने कहा मुझे बुढ़ा? अरे भाई साहब, हम तो बुढ़ापे की अपने बुढ़ापे की बातें कर रहे थे, है ना वर्षा? क्यों पिटवाना चाहती है वर्षा? अब तो इसने मुझे छू भी लिया। हाँ, इसने मुझे छू लिया। नहीं नहीं नहीं, क्या हो रहा है इस शहर में? यहाँ कोई शरीफ आदमी नहीं, कोई मर्द नहीं जो इस अबला की रक्षा कर सके? ये कब से मुझे परेशान कर रहा है, कोई कुछ कह नहीं रहा। क्यों हो रहा है? सशिकल पाजी, तुसी बैठो बैठो बैठो। असीता प्यार दिया गल्ला कर रहे थी, है ना वर्षा जी? की कौन हो रखे किचु नहीं बाबू मोशा, किचु नहीं ए माँ की भालो भाषे, भालो भाषे एना नारक बन गया। अनु मिले स्वामी, अनु मिले का दिल, का दिल सोते हो डिक्रे सुकर अच्छे? कहीं नहीं बाबा, कहीं नहीं, ये मने प्रेम करे छे। प्रेम तमे बेसी जाओ, बेसी जाओ। तमे पण बेसो नी, बेसो नी, बसी जा वर्षा, बसी जा। कौन है? माता श्री, क्या ये दुष्ट आपको कष्ट दे रहा है? नहीं नहीं नहीं, मैं दुष्ट नहीं भीम जी, मैं तो इस कन्या का होने वाला वर हूं। प्राणेश्वरी, कह दो भीम जी से कि तुम मुझे प्यार करती हो, कह दो। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। कह दिया कि मुझे प्यार करती है। बिल्कुल नहीं करती। क्षमा प्रभु, कन्या नादान है। वर्षा जी, एक तरफ भारत और दूसरी तरफ महाभारत, अब भी वक्त है, कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। नो, तुमसे नो, नो नो नो, प्लीज। मैं तुमसे प्यार नहीं करती, कृपया आप रास्ता देंगे? प्लीज, थैंक यू। वर्षा जी, कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। तुम्हें कुछ भी हो जाए, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। अब पता चलेगा बच्चू कौन हूँ मैं। खाली का शरारती वो तो ऐसी मजा करती है, बहुत प्यार करती है मुझसे। अरे भैया, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज भैया, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। ये क्या हाल बना रखा आपने? बिल्कुल फिट हुआ। तू कैसा है रे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भैया। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक, एकदम फिट भैया। बात क्या भैया? अजय, मैं तो एक जरूरी बात कहने आया। कहिए। अजय, हरी अप। कमिंग सो। भाभी कैसी है भैया? सब ठीक है। अजय, बात ये है कि क्या बात है भैया? तू जा, शाम को मैं तुझसे बात करता हूँ। भैया आप ठहरे कहाँ हैं? होटल ड्रीमलैंड। ठीक है, रात का खाना साथ में खाएंगे। ओके। सॉरी सर, मिस्टर अशोक, मेरा चेकआउट हो गया सर दोपहर को। दोपहर को? जी हाँ। देखिए, मैं उनका भाई हूँ। यस yes? मेरे लिए कोई मैसेज छोड़ गए हैं वो? मैसेज? I'm sorry sir, no message. ऐसे कैसे जा सकते हैं? कोई मैसेज नहीं, कुछ नहीं। हो सकता है कोई जरूरी काम आ गया हो, कहीं अचानक जाना पड़ा हो। लेकिन उनको मुझसे कोई जरूरी बात करनी थी। तो फिर फोन कर लेंगे। आपका फोन है बंबई से। हेलो, हेलो, अजय बोल रहा है बेटा, मैं अशोक। हाँ भैया, कैसे हैं आप? बिना बताए चले गए। हाँ बेटा, बेटा मुझे तुझसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ बोलिए। सुन रहा है अजय, मैं बहुत परेशान हूँ। परेशान? भैया बात क्या, बताइए ना। अजय, हाँ भैया बोलिए। हाँ हेलो,
हेलो हेलो यहीं से तो फोन आया था उनका। बॉम्बे से? हाँ, कुछ कहना चाहते थे, लाइन कट गई। लाइन कट गई? वो बॉम्बे में है, घर नहीं आए, कुछ तो बात होगी। कहाँ भी? अजय, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। उस दिनों से वो बहुत परेशान थे, कह रहे थे उन्हें वो कुछ करना पड़ रहा है जो वो करना नहीं चाहते। करना नहीं चाहते? आप लोगों ने मुझे पहले कुछ बताया क्यों नहीं? उन्होंने मुझे कहा साफ साफ बताए, हम ये बताकर तकलीफ नहीं देना चाहते थे, बस अकेले। भाभी, भैया आ जाएंगे, हो सकता है किसी जरूरी काम के लिए बाहर गए हो। मैं पता लगाता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। और उनके आते ही हम दोनों मिलकर इतना डांटेंगे कि उन्हें याद रहेगा। मेरी भाभी को इतना रुलाते हैं वो। हाँ, कैन आई स्पीक टू मिस्टर गुप्ता प्लीज? अजय है वहां का कोई नंबर आपके पास? ठीक है, थैंक यू। गुप्ता अंकल 8-10 दिन के लिए दिल्ली गए हैं। मैं लंबे टाइम से उधर काम पे था साहब। अभी कुछ दिन से अशोक साहब बहुत परेशान रहता था साहब, पर हमको ऐसा सुनने में आया साहब कि अशोक साहब और बलवंत राय साहब मिलकर कुछ धंधा चालू किया था। वो तो हमको नहीं मालूम, मगर हमको 3 महीने का पगार देकर छुट्टी किया साहब। मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि मिस्टर राय कोई मामूली आदमी नहीं है, वो अशोक मेहरा जैसे कई आदमियों का भला करके भूल जाया करते हैं। फिर भी मैं उन्हें याद दिला दूंगा। वैसे 2 महीने तक तो उन्हें सांस लेने की भी फुर्सत नहीं।